तो दोस्तों स्वागत है फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। और दोस्तों यहाँ पर इस ट्रक की कंडीशन आप देख लें, जो कि पूरी तरह से ये ट्रक जो है यहाँ पर मतलब ख़त्म हो चुका है। अभी तक जो है इस ट्रक का जो है कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और किसी भाई को भी पता हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जाकर कर सकता है, बता सकता है कि ये किस कंपनी का जो है यहाँ पर ट्रक है। फिलहाल तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने देखने का प्रयास किया, ना तो ये अशोक लेलैंड का ना ही टाटा का, मतलब इसका कोई लेवल नहीं दिख रहा था। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ट्रक जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और ये हादसा किस वजह से किस कारण हुआ है वो भी वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बता देंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और यहाँ पर पहले ट्रक का जो है नुकसान दिखा देते हैं क्या हो रखा है। तो पहले जो है आपको रोड दिखा देते हैं कहाँ से जो है ये ट्रक आया था और कितनी तेज रफ्तार में हुआ होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे से जो है ये ट्रक उतरा और यहाँ पर आकर जो है इस ट्रक के साथ जो है ये गलत सीन हो गया। मतलब इतनी तेज रफ्तार में ये ट्रक था जो कि नीचे आने के बाद जो है इस ये ट्रक जो है पेड़ से टकराया और टकराने के बाद जो है पूरी तरह से ये ट्रक जो है यहाँ पर बर्बाद हो गया, मतलब पूरी तरह से जो है ख़त्म हो गया। और यहाँ पर जो है ड्राइवर और खलासी इसमें फ़िलहाल तो हमें नहीं मिले और किस वजह से किस कारण ये हादसा हुआ पूरी तरह से पता भी नहीं चल पाया। और यहाँ पर कई सारे लोग जो है खड़े हुए थे और हर कोई जो है अपना नज़रिए के तौर पर जो है यहाँ पर बातचीत करके बता रहा था ये ऐसे हुआ होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।